सैमसंग गैलेक्सी M53 या फिर iPhone X। सो बेसिकली ये दोनों स्मार्टफोन आपको बहुत ही एक अंडर बजट कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी M53 26,000 का देखने को मिल जाता है, वहीं पर अगर बात करें iPhone X की तो वो जो स्मार्टफोन आपको 26,000 का भी देखने को मिल जाता है। इवन उसकी प्राइस आपको 25,000 तक भी देखने को मिल सकती है। अगर आप एक प्लान करें बजट कैटेगरी में एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये डिपेंड करेगा आपके पर्सनल यूसेज के हिसाब से कि क्या ये स्मार्टफोन आपको कौन सी आपको जो है रिक्वायरमेंट एक स्मार्टफोन में चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप एक स्मार्टफोन को डेली से डेली यूसेज करना चाहते हैं तो कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों स्मार्टफोन से सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले बात करें iPhone X की, तो वो जो स्मार्टफोन आपको एक काफ़ी हैंडी डिवाइस देखने को मिलता है 5.8 इंचेस का, और इसकी प्रीमियमनेस आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाती है। साइड में आपको स्टेनलेस स्टील, बैक साइड में ग्लास पैनल देखने को मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है क्योंकि इसमें हमें OLED पैनल देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर देखें सैमसंग गैलेक्सी M53 की, तो वो जो स्मार्टफोन आपको बहुत ही एक बिगर देखने को मिलता है। अगर आप एक बिगर स्मार्टफोन फैन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिल जाता है। सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बट बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो इतनी आपको डिफरेंट नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन एक ब्रांड न्यू बजट कैटेगरी का सैमसंग का स्मार्टफोन है, इसी कारण इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी नहीं देखने को मिलती। आईफोन से कंपेयर करें तो बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी नहीं देखने को मिलती। बट आईफोन की अगर हम देखें तो वो जो स्मार्टफोन आपको प्रीमियमनेस के बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं डेली से डेली यूज़ करने के लिए, तो मेरे हिसाब से iPhone X आपके लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अगर आप एक स्मार्टफोन प्लान कर रहे हैं गेमिंग के लिए, अगर आपका बजट 25,000 तक है बट अगर आप चाहते हैं उसमें हाई एंड गेमिंग करना, तो आपके लिए iPhone X बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि वहां पर आपको देखने को मिलती है A10 चिपसेट जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल देखने को मिल जाती है। इसमें आप BGM वगैरह गेमिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी में कर सकते हैं। सैमसंग की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलता है MediaTek से आने वाला MediaTek Dimensity 900 सीरीज, जो कि काफी एक अच्छी क्वालिटी आपको गेमिंग नहीं दे सकता, क्योंकि प्रीवियस मॉडल में भी हमें स्नैपड्रैगन देखने को मिलता था 778G जो कि इस 900 से बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता। लिटिल बिट आपको परफॉर्मेंस थोड़ी आप देखने को मिल जाती थी, बट अगर कंपेयर करें A10 चिपसेट जो कि आईफोन की चिपसेट है, वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन चिपसेट हमें देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, आपका बजट 25,000 तक है बट उसमें आप अच्छी से अच्छी गेमिंग प्ले करना चाहते हैं, तो आप तब तो iPhone X के लिए आपको जरूर से जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है स्मार्टफोन की कैमरा। अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं कैमरा क्वालिटी के रिगार्डिंग, अगर आप एक प्लान कर रहे हैं व्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन या फिर वीडियो वगैरह शूट करना चाहते हैं, अगर आप फोटो वगैरह के फैन हैं, तो तब तो आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेटर रहेगा। सो यहाँ पर iPhone अच्छा है या फिर Samsung अच्छा है, तो Samsung की अगर बात करें तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है बहुत ही बजट कैटेगरी में। 4K वीडियो रेजोल्यूशन में देखने को मिल जाती है, OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। iPhone की अगर बात करें तो वहां पर आपको सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जो कि एक आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। वीडियो रेजोल्यूशन आपको 4K 60fps देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरा 7 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जिसकी वीडियो क्वालिटी आपको फुल HD 30fps देखने को मिल जाती है। तो कौन सा स्मार्टफोन कैमरा क्वालिटी के रिगार्डिंग ज्यादा बेटर रहेगा, तो बेसिकली मैं बात करूं मेरे पर्सनल ओपिनियन की कि आईफोन जो है वो डायनेमिक रेंज बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अगर आप एक सैमसंग या फिर आईफोन से कंपेयर करेंगे कैमरा को, तो यहाँ पर मेन डिफरेंस ये निकलेगा कि उसकी जो आईफोन की डायनेमिक रेंज आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी सैमसंग के कंपेरिजन। बट सैमसंग आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करता है, बट 108 मेगापिक्सल कैमरा हर टाइम यूज नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ डिटेल फोटो के लिए यूज किया जाता है। वैसे उसका कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल के कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करके देगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक प्लान कर रहे हैं स्मार्टफोन कैमरा क्वालिटी के रिगार्डिंग, अगर आप इसमें व्लॉगिंग वगैरह शूट करना चाहते हैं, तो तब मेरे हिसाब से आपको iPhone X एक ज्यादा बेटर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप आउटडोर शूट करेंगे तो आपको डायनेमिक रेंज तो वह बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी iPhone X से एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M53 से। बट वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल यूसेज के हिसाब से। अगर आप एक स्मार्टफोन प्लान कर रहे हैं इसकी डिटेल लेविंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो अब तो आप M53 की तरफ जाएं। बट अगर आप एक स्मार्टफोन को वीडियोग्राफी के लिए और फोटोग्राफी के लिए दोनों चीजें के लिए यूज करना चाहते हो, तो तब आप iPhone X की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक स्मार्टफोन को फुल डे यूज करना चाहते हो, तो कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर
सैमसंग गैलेक्सी M53 बहुत ही ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि 5000 mAh की लार्ज बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। चार्जिंग स्पीड भी आपको 25 watts चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाती है। तो बैटरी के मामले में आईफोन एक्स बिल्कुल भी सैमसंग का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आईफोन की बैटरी लाइफ आपको बहुत कम देखने को मिल सकती है। बट वो वहीं पर आपको सेकेंड हैंड फोन देखने को मिलेगा, तो उसकी बैटरी हेल्थ इवन आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी लाइफ में सैमसंग गैलेक्सी M53 बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिलता है। सो ये थे इसके कुछ पर्सनल यूसेज आपके हिसाब से कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। आप खुद प्लान कर सकते हैं कि कौन सी चीजें आपको स्मार्टफोन में चाहिए। अगर आप एक स्मार्टफोन चाहते हैं डिस्प्ले वाइज बिल्ड क्वालिटी वाइज तो तब आप आईफोन एक्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आप एक स्मार्टफोन चाहते हैं कैमरा वाइज तो तब भी आप आईफोन एक्स की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप डिटेल लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं एक्सपीरियंस करना चाहते हैं 108 megapixel कैमरा तो तब आप M53 की तरफ जा सकते हैं। अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं गेमिंग के लिए हाई एंड गेमिंग करना चाहते हैं आपको हाई एंड गेमिंग करना पसंद है तब तो आप आईफोन एस की तरफ ही जाएं, क्योंकि वहां पर सैमसंग में आपको कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी गेमिंग में। बट बैटरी लाइफ अगर आप चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपका पॉइंट बैटरी लाइफ ही है तो तब तो आपको आईफोन एक्स बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, आपको सैमसंग गैलेक्सी M53 ही लेना चाहिए। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन के साथ कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। तो कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर स्लैश जरूर करना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।